हाँ जी फ्रेंड, तो हम लोग खाना खा के अभी फ्री हुए थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना, मौसम अभी अच्छा हो रहा है और ठंडी हवा चल रही थी, बारिश थोड़ी देर पहले ही रुकी है, तो हम लोग निकल लिए हैं इस्लामाबाद की तरफ। आइसक्रीम खाने हम लोग जा रहे हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, ये देखेंगे अब्दुल्ला किस तरह मौसम इंजॉय कर रहा है। ये कहाँ पे चढ़ के बैठा हुआ है, दो सीट जो उसके बीच में ना, सीट के ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है और ये बड़े मज़े से इंजॉय कर रहा है। तो ये इसकी मैं बड़ी फेवरेट जगह है कि यहाँ बैठ जाता है, कभी पीछे वाली साइड पे बैठ जाता है सीट के, और अभी आज फ्रंट वाली सीट के ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है और इंजॉय कर रहा है। हाँ जी फ्रेंड, तो हम लोग फ्रेस्को ब्लू एरिया आए हैं कुल्फ़ी फलूदा खाने, क्योंकि हमने सुना है कि यहाँ का कुल्फ़ी फलूदा बहुत मज़े का है, तो हम लोग यहाँ से वो खाएंगे, सामान लेने गए हैं। हाँ जी फ्रेंड, तो हम लोगों ने कुल्फ़ी फलूदा खा लिया, अब हम लोग घर की तरफ वापस जा रहे हैं। और यकीन करें कि मुझे कुल्फ़ी फलूदा पसंद नहीं था इतना, तो आज मैंने मतलब मेरा दिल था खाने का, लेकिन सब खा रहे थे तो मैंने भी खाया, तो यकीन करें कि मुझे फ्रेस्को का जो कुल्फ़ी फलूदा है ना, वो बेस्ट लगा है अब तक का, मतलब मैंने जितने भी खाए हैं, तो नंबर वन है। तो आप लोग भी लाजमी ट्राई करिएगा फ्रेस्को ब्लू एरिया का कुल्फ़ी फलूदा। जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और खुशकुरम होंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि पीछे इतनी तेज़ बारिश हो रही है और इतना प्यारा वेदर है आजकल, माशाल्लाह से अल्लाह का बहुत 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 जितना शुक्र हम अदा करें अल्लाह का कम है कि इतनी गर्मी थी, अल्लाह पाक ने इतना अच्छा मौसम दे दिया है कि देखें रोज़ाना बारिश हो रही है और रोज़ाना इतना अच्छा मौसम हो रहा है और खूब हम लोग इन्जॉय करते हैं मौसम, इतना अच्छा हुआ है। तो बस अभी भी सुबह हम उठे हैं, नाश्ता किया है तो बारिश शुरू हो गई है, तो बच्चे फिर दोबारा खेलने लग गए, बारिश में भिगने लग गए हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कि बारिश का थोड़ा सा मज़ा लिया जाए और ब्लॉग शूट कर लिया जाए। तो ये देखें ज़रा, जी कहना चाहते हैं क्या? क्या बोलूं? क्या बोलना चाहते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम कर दें। हाँ जी, तो बस अभी समी की ऑनलाइन क्लास भी होने वाली है, इनके कारी साहब ने भी आना था, तो बारिश हो गई है तो इनकी छुट्टी होगी, मज़े हो गए कि कारी साहब नहीं आएंगे आज बारिश की वजह से, तो ये अभी इस वक्त मज़े कर रहे हैं। वो देखें, अब्दुल्ला इज़ गेटिंग रेडी, वो रेन कोट पहन के, कैप पहन के, शूज़ पहन के, तो जी वो बारिश में आके नहाने की तैयारी कर रहे हैं, रेन कोट निकाला है तो वो रेन कोट से इन्जॉय करेंगे और मैं यहाँ पर बारिश का मज़ा लेते हुए।
बहुत ही मज़े की बारिश हो रही है और इतनी ठंड हो गई है आजकल। मैं आप लोगों को क्या बताऊँ कि ठंड हो गई आजकल के, मतलब एसी तो दूर की बात है, फ़ैन में भी ठंड लग रही है। मतलब फ़ैन भी रात को हल्का करना पड़ जाता है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ने हमें इतना अच्छा मौसम दिया और इतनी अच्छी बारिश हो रही है। बस ये है कि अल्लाह पाक रहमत की बारिश करे, कोई किसी के लिए कोई परेशानी ना हो, किसी के लिए कोई दुख तकलीफ़ ना आए इस बारिश में। तो अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा रहमत की बारिश करे और सबके लिए बारिश खुशियाँ लेके आए। तो बस अभी ये मौसम है तो जिसका आप लोग भी मज़ा ले रहे होंगे यकीनन। समी वाइपर लगा रहे हैं। समी बेटे छोड़ दे, अंदर आ जाए, आपकी क्लास होने वाली है, मैं कपड़े पहनाऊँ। समी की ऑनलाइन क्लास है अभी, समी को भी तैयार करना है। समी की 10:30 ऑनलाइन क्लास होती है तो बस अभी समी को मैं रेडी करने लगी हूँ। समी आए जल्दी से, कपड़े चेंज कराऊँ आपको, जल्दी आ जाए। बिल्ली बिल्ली आ जाओ, ऑनलाइन क्लास ले लो फिर खेल लेना, आ जाओ जल्दी, आ जाओ जल्दी, आ जाओ हरी आप भी, बाद में लगा लेना वाइपर। ये देखें चिड़िया वगैरह के लिए पानी रखा था, वो भी भर चुका है सही। तो समी आ जाओ बेटे, आ जाएं जल्दी से, आए चले आए, मैं आपको रेडी करूँ जल्दी से। चलें जी फ्रेंड्स, इतने आपको मौसम मैंने दिखा दिया है फटाफट, आप समी को जल्दी से मैं रेडी करती हूँ क्योंकि बेसिक क्लास स्टार्ट होने वाली है। हाँ जी, ये देखें समी तैयार हो चुके हैं अपनी ऑनलाइन क्लास के लिए। समी आपकी ऑनलाइन क्लास आने लगी है, क्या मैम को आपने अच्छे से जवाब देने। नो नो नो, करंट लग जाएगा, छोड़ दें उसको, स्विच ऑन था बेटे। ये देखें एक बच्चा बारिश में खेलने, अब्दुल्ला इधर मुड़े, ये देखें ये जी रेडी हैं बारिश में जाने के लिए। ये देखें इनका ऊपर से नीचे तक देखें जरा, अभी मुझे कह रहे हैं कि मम्मा मुझे रेनकोट और लेके दें और शूज भी लेके दूसरे वाले। और ये समी तैयार हैं ऑनलाइन क्लास के लिए। समी अभी बना क्या बना रहे हैं, पजल्स बना रहे हैं। तो बस टाइम में अगर आप लोगों को दिखाऊं तो 10:10 होने वाले हैं और 10:30 पे समी की क्लास है। तो बस जल्दी जल्दी से कैमरा वगैरह सेट करते हैं, रेडी करते हैं और समी की टेबल चेयर भी सेट करते हैं, फिर हम लेंगे ऑनलाइन क्लास। मैं आप लोगों को रेडी करके दिखाती हूँ। हाँ जी, तो समी की ऑनलाइन क्लास में लगी और ये देखिए सारी चीज़ें सेट हो गई हैं, ये स्टैंड भी रख दिया है और ये टेबल चेयर पे समी की यहाँ पे क्लास होने लगी है। ये समी की वर्क बुक है, अब्दुल्ला भी साथ साथ पढ़ने की कोशिश में है कि मैं भी होमवर्क कर लूँ। जैसे अब्दुल्ला होमवर्क करें तो मैं उसको समर वर्क करवा रही हूँ। हाँ जी फ्रेंड्स, तो ऑनलाइन क्लास तो हो गई है और उसके बाद बच्चों को काम भी करवा लिया, समर वेकेशन का काम करवा लिया। और यकीन करें बहुत ही मुश्किल है इन लोगों को छुट्टियों में काम पे बिठाना, काम करवाना। समी की वन आवर की ऑनलाइन क्लास होती है लेकिन वन आवर में सिर्फ वो हाफ एन आवर वो बिल्कुल टिक के काम करता है और उसके बाद जो अगला हाफ एन आवर होता है उसमें उसको बिठाना इतना मुश्किल हो जाता है क्योंकि अब्दुल्ला की क्लास नहीं होती। अब्दुल्ला अपने उसको भी बिठाती हूँ साथ में पढ़ाई मतलब काम करवाने, लेकिन क्या होता है कि मेरा सारा फोकस समी पे होता है तो मैं अब्दुल्ला पे ध्यान नहीं देती, तो अब्दुल्ला खेल में लग जाते हैं तो समी भी उसको देख के क्लास छोड़ के वो गायब होने की कोशिश करता है। फिर इतनी मुश्किल से मैं उसको बिठाती हूँ, इतनी मुश्किल से उसको बिठाती हूँ। तो हालाँकि एक घंटे की क्लास होती है लेकिन एक घंटे में वो इतना तंग करता है, इतना तंग करता है। तो डेली दो पेजेस का काम होता है तो आज उसने एक पेज का ही काम किया,
तो एक का मैंने उसको बाद में कंप्लीट करवाया। लिटरली और भी दुनिया में ना कोई भी काम इतना मुश्किल नहीं है जितना बच्चों को होमवर्क कराना और बैठ के पढ़ाना मुश्किल काम है। ठीक है, मतलब पहले भी मैं टीचिंग करती हूँ लेकिन बंदा पढ़ा रहा था, लेकिन जो अपने बच्चे हैं ना वो सुनते ही नहीं है बिल्कुल भी, तो उनको पढ़ाना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है, और ख़ासतौर पर जो छोटी एज के बच्चे होते हैं। तो जो मैं वही कहती हूँ, जो मॉन्टेसरी और प्ले ग्रुप या नर्सरी क्लास के टीचर्स हैं ना, उनको तो ना बहुत ज़्यादा सलाम है कि वो जितनी मेहनत से और जितनी हिम्मत से वो लोग ये बच्चों को हैंडल करती है क्लास में, क्योंकि इनके मूड स्विंग्स इतने होते हैं, टेंट्रम इतने करते हैं, ये लोग फेंकते हैं और ये बिल्कुल नहीं सुनते, तो बेचारी टीचर का मैं कहती हूँ हिम्मत और हौसला और बर्दाश्त होती है कि बेचारी वो इतने इतने बच्चों को क्लास में सुनती है और बर्दाश्त करती है। तो सभी की टीचर को भी मैं यही कह रही थी, मैंने कहा आपकी हिम्मत है कि आप सभी को किस तरह क्लास में काम करवाती हैं विदाउट मतलब किसी गुस्से के, किसी डांट के, क्योंकि एक माँ होने के नाते मैं तो मतलब बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हूँ कि भाई पढ़ाई के वक्त मुझे कोई मजाक और मस्ती नहीं चाहिए, लेकिन ये बहुत तंग करते हैं। तो यकीनन आप सब लोगों का भी यही मसला होगा, तो ज़रूर मुझे शेयर करिएगा, मुझे बताइएगा कि आप लोग किस तरह इन लोगों को अपने बच्चों को छुट्टियों में होमवर्क करने बिठाते हैं और किस तरह इनको मनाते हैं, क्योंकि 100 चीज़ें कहनी पड़ती हैं, भाई आप ये काम कर लो तो आपको यहाँ लेके जाएंगे, अब ये कर लो तो आपको आइसक्रीम खिलानी पड़ेगी, तो यही बस चलता रहता है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी, आप लोगों के घरों में भी ये सब चीज़ें चलती रहती होंगी कि बच्चे काम नहीं करते सही तरह से और उनको कोई ना कोई किसी चीज़ के सब करके उनको पढ़ाने बिठाना पड़ता है। तो मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन कौन जो किस किस के घर में बच्चे हैं जो उनको टफ़ टाइम देते हैं होमवर्क करने में। तो मेरे बच्चे तो मुझे बहुत तंग करते हैं, वैसे होमवर्क कर लेते हैं लेकिन जो उस टाइम ऑनलाइन क्लास के मतलब टाइम पर बिठाना ना उनको, तो इस वेरी बिग टास्क। तो बस ये है कि अभी बस फारिग होके बैठे हैं अपना, उनको खाना वाना दिया है, खेल कूद रहे हैं, और मैं बैठी हुई थी बाहर क्योंकि मौसम है अगेन बहुत ही प्यारा, धूप बिल्कुल नहीं है। तो बस मैं भी अभी नमाज़ वगैरह पढ़ के अभी बैठी थी, तो मैंने सोचा कि अपना व्लॉग क्यों ना कंटिन्यू कर लिया जाए। तो अभी बस देखें आगे, अभी बादल मुझे लग रहा है कि अभी भी हैं, ये देखें हाँ जी फ्रेंड्स बादल अभी भी हैं और लगता है कि अभी भी बारिश और होनी है। जो मैंने वेदर फोरकास्ट देखी थी उसमें ये था कि 3 से 4 दिन अभी लगातार बारिश होगी, और दूसरी बात ये कि हमारे घर गेस्ट भी आ रहे हैं वेनसडे को, तो उसके लिए भी मैंने बाज़ार जाना है, कुछ चीज़ें ख़रीदनी हैं, ग्रॉसरी शॉपिंग करनी है, तो अभी ये पता नहीं है कि अभी हम लोग आज जाएंगे, तो अभी ये नहीं पता कि हम लोगों ने आज जाना है शॉपिंग पे या कल जाना है, क्योंकि सलमान अभी तक आई नहीं काम से और बस उनका इंतज़ार ही कर रहे हैं कि अभी हम लोगों ने मार्केट जाना है, ग्रॉसरी करनी है। तो देखें आप लोगों को बताऊंगी कि कल के व्लॉग में कि हमारे घर कौन मेहमान आ रहे हैं, और उसके लिए हम लोग एक्साइटेड भी बहुत हैं और मुझसे ज़्यादा बच्चे एक्साइटेड हैं, तो बस उन्हीं की वजह से हम लोगों ने मार्केट जाना है। तो इंशाल्लाह आगे मतलब 2-3 दिन बिज़ी गुजरेंगे, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि ज़रूर टाइम निकाल के व्लॉग को शूट कर लूँ। तो बस अभी देखते हैं सामान आते हैं कि हम लोग जाते हैं नहीं जाते। हाँ जी फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने जाना था मार्केट, मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों ने जाना है ग्रॉसरी शॉपिंग करने, लेकिन सलमान लेट आए और उसके बाद उनको कोई ज़रूरी काम था तो वो चले गए हैं मार्केट कुछ लेने के लिए, और बच्चे भी उनके साथ चले गए हैं। तो बस मैं अकेली थी तो मैंने फिर अभी अपने लिए चाय बनाई है, तो मैं बाहर आके बैठी हूँ कि मैंने कहा ज़रा बाहर आके देखती हूँ कि कैसा हो रहा है मौसम। तो फिर मैंने सोचा कि अपना जो व्लॉग है वो चाय पीते पीते ही एंड कर लिया जाए, तो बारिश बस आने वाली है तो मैं बाहर ही बैठी थी, मगरिब होने वाली है, अज़ान होने वाली है, तो बस अज़ान का वेट कर रही हूँ कि फिर नमाज़ पढ़नी है। तो बस बच्चे चले गए हैं तो कोई काम नहीं है, वरना मैं अब्दुल्ला को कह रही थी कि आप बेटे पढ़ लो या थोड़ा सा लेट जाओ, तो वो बिल्कुल भी नहीं लेटे। तो बस इसी वजह से मैं फिर अभी चाय बना के आई हूँ और मैं पीने लगी हूँ अपनी चाय। वैसे तो गर्मियों में चाय नहीं पीती शाम में, लेकिन आज मौसम ज़रा ठंडा है, अच्छा लग रहा है, तो मैंने इसलिए फिर अपने लिए चाय बनाई है। तो बस मैं अकेले बैठ के चाय पी रही हूँ, और बस ये है कि इसी के साथ ही मैं अपना जो आज का व्लॉग है वो एंड करूँगी, और ऊपर से लाइट भी गई हुई है, लाइट ने भी तंग किया हुआ है, ये आपको पीछे टक टक की आवाज़ आ रही होगी, ये UPS की आवाज़ है जो आ रही है।
तो क्योंकि ज़रा सा मौसम अच्छा हुआ नहीं, हवा चली नहीं, यहाँ पे लाइट चली जाती है। ठीक है साथी, जो मैं अपना आज का व्लॉग है वो एंड करूँगी। बहुत मज़े की चाय बनी है, आप लोग भी इस टाइम पे मुझे बताइएगा कौन कौन जो है शाम को लाजमी चाय पीते हैं। तो बस इसी के साथ ही मैं अपना जो आज का व्लॉग एंड करूँगी, और एंड इस बात पे करूँगी कि साथ एंड में बस एक मैं ये बात करना चाहूँगी कि भाई अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरा चैनल ग्रो करे, अगर मैं चाहते हैं कि मुझे मेरा चैनल सक्सेसफुल हो, कामयाब हो, तो उसके लिए चाहिए कि आप लोग मेरे चैनल को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं आप उसको शेयर करें। क्योंकि अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ वीडियोस को वॉच कर रहे हैं या पूरी तरह भी वॉच नहीं कर रहे और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उन्होंने। तो आप जितने भी व्लॉग हैं एटलीस्ट आप 3 मिनट्स तक लाजमी देखा करें। जितना भी व्लॉग हो कोई भी मेरा देखें तो आप उसको 3 मिनट तक लाजमी देखा करें, क्योंकि अगर आप 3 मिनट से कम देखेंगे तो बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं है मेरे लिए। तो एटलीस्ट आप 3 मिनट लाजमी देखा करें, और अगर आपको अच्छा लगा करे व्लॉग तो आप पूरा भी देख लिया करें, ठीक है। और एक कमेंट लाजमी छोड़ दिया करें और थम्स अप भी कर दिया करें, ठीक है। तो ये आप लोगों का बहुत बड़ा एक मेरी तरफ से आप लोगों की एक फेवर होगी मेरे लिए। तो बाकी ये कि जो लोग जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लेकिन वो वीडियोस वॉच कर रहे हैं, क्योंकि वो शो हो जाती हैं चीज़ें कि जी कौन लोग हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और सिर्फ वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो उनसे मैं यही कहूँगी कि अगर आप लोग मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें और चैनल को लाइक कर दें और मेरे चैनल को शेयर भी कर दें, ठीक है, ताकि आप लोगों का देखना वेस्ट ना हो। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाए तो प्लीज़ आप लाजमी इसको ज़रा सीरियसली लें और प्लीज़ चैनल को शेयर करें। तो बस यही मैंने आपसे कहना है। और जो लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया और उनका बहुत ज़्यादा दिल से थैंक यू है मेरा। तो बाकी ये है कि अगर मेरा आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। जो है वो एंड करूँगी इसी दुआ के साथ कि आप लोग अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, और आप लोगों के घर में कोई दुख तकलीफ, कोई परेशानी ना आए, कोई बीमारी ना आए, और अल्लाह पाक आप लोगों को बेइंतहा नवाजे, आमीन। तो मुझे भी और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो इसी दुआ के साथ, और मौसम भी इंजॉय करें आप लोग, देखें। तो इसी के साथ ही अपनी बहन महरीन को लाइफ स्टाइल विद महरीन के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह